वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स 4 अप्रैल का करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। आज दिन भर कौन सा न्यूज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहा जो एग्ज़ाम हॉल तक वो कैरी करे, उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, साथ उसका एक्सप्लेनेशन। और आप लोगों को ये 10 प्रश्न इसमें शामिल किया गया है और प्लस 15 प्रश्न आपको वन लाइनर जो पूछा जाता है, 15 प्रश्न शामिल किया गया है। इस प्रकार आपको 25 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के करंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण रूप से है आज के न्यूज़ में। और साथ ही साथ एक नया प्रयास आज पुनः किया गया युक्ति आईएएस के द्वारा, अब ऐप पर या तो फिर वेबसाइट पर दोनों जगह आप डेली आप लोग क्विज दे सकते हैं। क्विज स्टार्ट कर दिया गया है, वो एकदम फ्री होगा, सभी के लिए फ्री होगा, तो आप लोग क्विज में शामिल हो सकते हैं। सभी लोग जो भी हमें सुन रहे हैं, अपने दोस्तों को, अपने सारे फ्रेंड सर्कल को रेफर कीजिए इसे। वहाँ पर 10 से 15 प्रश्न आपको डेली करेंट अफेयर्स के क्विज, सब्जेक्टिव क्विज और जो भी सब्जेक्टिव क्विज है जिसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे पार्ट को शामिल किया जाएगा, जिसमें आपको 10 से 15 प्रश्न डेली उसमें होगा, विथ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो जिस प्रकार आप लोग टेस्ट देते हैं वैसे वहाँ भी अवेलेबल कराया जा रहा है, आप लोग अब दे सकते हैं। आज ये क्विज 1 अप्रैल के नाम से अपलोड हो गया है और 2, 3, 4 अपलोड आज कल तक हो जाएगा शाम तक। तो अब रेगुलर ये चलेगी, 5 तारीख से कल से रेगुलर सारा क्विज स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट है जाके दे सकते, वहाँ पर क्विज में शामिल हो सकते हैं और अपना अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और स्पीड को अपना इस जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो स्पीड है उसे भी आप फॉरवर्ड मोड में ला सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस पर अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जो भी अभी हमारे चैनल से नए अभी जस्ट जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। नए और पुराने दोनों स्टूडेंट जो हैं, ओल्ड और न्यू दोनों स्टूडेंट, चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, अपने रेफर को, अपने दोस्तों को रेफर कीजिए, सारे टूल को अपनाइए ताकि हम लोग और भी इम्प्रूव होकर आप लोगों के सामने आए। क्योंकि हम लोग का प्रयास इस रूप से है कि एग्ज़ाम ओरिएंट टू द पॉइंट बात करते हुए आपको एग्ज़ाम हॉल तक अधिक से अधिक प्रश्नों को कैरी कराना, तो यह हम लोग का मुख्य उद्देश्य है युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म, इसलिए एस्टेब्लिश किया गया है और इसका प्रतिफल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बार बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिला, उत्तराखंड पीसीएस को देखने को मिला और नेक्स्ट 67 बीपीएससी होने वाला है, उसमें भी आपको इसका जो भी आउटपुट निकल कर आएगा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यूपी पीसीएस एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आपको इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ भी इसका आउटपुट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो हमारा प्रयास जो किया जा रहा है, हमारी टीम के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, उसे आप लोग सफल बनाइए, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़वाइए ताकि हम लोग भी और बेहतर तरीके से मोटिवेट होकर काम कर सके। इसके लिए आप लोग साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आप लोग मेगा क्विज चलाया जाता है, तो आप लोग वहाँ 10,000 प्रश्नों का सीरीज चलाया जा रहा है। हालांकि कुछ दिन बीच बीच में कुछ वजह से वर्क आउट लोड से कुछ बंद रहता है, पर यह रेगुलर आप लोगों को ये अपलोड होगा। आप लोग इसमें आप क्विज में शामिल होइए ताकि अपने जो डेली क्वेश्चन जो आप लोग प्रैक्टिस करने का जो टेंडेंसी आपके मन में होना चाहिए वो डेवलप हो सके और बेहतर तरीके से आप लोग एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचे। तो इस और साथ में विजिट कीजिए www.uktis.in। तो आज हमारे साथ आगे बने रहिए। मैं किस ऑथेंटिसिटी के साथ आपके सामने हूँ इसे आप लोग अबाउट मी मेरे बारे में जान सकते हैं। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन दोनों से। 6 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह टीचिंग का। साथ ही मैं 3 टाइम आपको इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन लेता हूँ और साथ में जीएस के पार्ट में, मेंस के पार्ट में आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होगा मॉड्यूल वो मेरे द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ यूपीएससी और पीसीएस लेवल का 10,000 क्वेश्चन क्रिएट, ओरिजिनल क्वेश्चन क्रिएट करने का एक्सपीरियंस मेरे साथ कैरी करता है। तो इसी आधार पर मैं आप लोगों के सामने हूँ, कौन सा प्रश्न एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को फॉर्मेट करना, उसे एग्ज़ाम हॉल तक कैरी करवाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो यह इसी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आप लोग के सामने हूँ। और भी चीज़ें जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं युक्ति आईएएस के बारे में। युक्ति आईएएस से जुड़िएगा तो क्या आप लोग को प्राप्त होगा। सबसे पहले युक्ति आईएएस से जुड़ने के लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए या आपको गूगल प्ले स्टोर में रह है। आप लोग जैसे ही प्ले स्टोर में युक्ति टाइप कीजिएगा इस प्रकार का लोगो देखने को मिलेगा। आप लोग
नॉर्मल आपको इन्फॉर्मेशन अपलोड करना है और हमसे जुड़ जाइएगा। जुड़ते ही आप लोगों को टेस्ट अवेलेबल यहाँ पर होगा हिंदी इंग्लिश मीडियम का, साथ में करंट अफेयर्स, पीआईबी, क्विज, बहुत से फॉर्मेट स्टार्ट कर दिए गए। धीरे धीरे और भी बहुत सी चीज़ें शामिल की जाएगी, तो एग्ज़ाम ओरिएंट जो चीज़ें हैं वो सब शामिल होगा। आप यहाँ यूपीएससी स्टेट पीसीएस पीटी प्लस मेंस का भी टेस्ट दे सकते हैं, सभी टेस्ट का नाम यहाँ दिया हुआ। साथ में ऑल गवर्नमेंट कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेती है उन एग्ज़ाम को आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं, और दोनों एस्पिरेंट के स्टूडेंट दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट दे सकते हैं, जिसमें आपको 399 में 2000 टेस्ट अवेलेबल कराया गया है, यह ऑल गवर्नमेंट कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के सेगमेंट में। साथ ही एसएससी बूस्टर, बैंकिंग बूस्टर, रेलवे बूस्टर, यूपीएसआई बूस्टर, एफसीआई, आपको ये सब सारे का चार्ट आपको बना हुआ है। जैसे एसएससी बूस्टर में 199 में आप लोगों को 500 टेस्ट अवेलेबल है, रेलवे बैंकिंग में आपको 199 में 500 टेस्ट अवेलेबल है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है। रेलवे का भी आपको यहाँ पर 199 में 500 टेस्ट अवेलेबल है। साथ में आप विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in पर, और सारे जो ऐप पर अवेलेबल है वही फॉर्मेट आपको ऐप पर भी, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो दोनों चीज़ें एक जगह देख सकते हैं, जो चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध, जैसा आप सहज हो जिस स्थिति में आप वैसे उपयोग कर सकते हैं। हमारा टैगलाइन है अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग, तो अपने मोबाइल को कोचिंग बनाइए और एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को सीखने के लिए हमसे जुड़िए। देखिए यूपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, 51 टेस्ट कराया जाएगा, जिसका मात्र फी 1500 रखा गया है, 1500 आप लोग को रखा गया है, जिसमें सारे टेस्ट चल रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। इस स्लाइड को अच्छे से पॉज करके देख लीजिएगा, ये दोनों स्टूडेंट के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए। साथ में यूपीपीएससी का भी टेस्ट सीरीज रनिंग फेज में है, तो जो स्टूडेंट अभ्यर्थी इसे परचेज करना चाहते हैं तो 299 ओनली इसका फी रखा गया है, और 21 टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा, और यह हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंटों के लिए अवेलेबल है, तो आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही आपको 67 बीपीएससी का भी रनिंग फेज चल रहा है टेस्ट, तो आपको इसमें जो भी स्टूडेंट है 1 महीना बचा हुआ है, जो भी क्विकली रिविजन करना चाहते हैं, तो आप इस पर विजिट कर सकते हैं, इसे परचेज कर सकते हैं। इसका मात्र फी रखा गया 199, और 21 टेस्ट अवेलेबल कराया गया है, और दोनों स्टूडेंट के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए है। साथ में एमसीक्यू बूस्टर के नाम से सीरीज चलाया जा रहा है, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जहां जीएस या जीके का प्रश्न आता है तो आप इसे ज़रूर परचेज कर सकते हैं। लूसेंट के टॉपिक वाइज सारे सारे टॉपिक से क्वेश्चन अराइज किया जाता है, और टॉपिक वाइज सेक्शन कवर किया जाएगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए उपयोगी है, या दोनों माध्यम उपलब्ध है, और आपको ये इसमें 600 से अधिक प्रश्नों का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को इस पैकेज में पीडीएफ दिया जाएगा, आप टेस्ट दे सकते हैं, ऐप और वेबसाइट दोनों जगह पीडीएफ दिया जाएगा, वीडियो एनालिसिस दिया जाएगा, तो आप इस रूप से जुड़ सकते हैं। मात्र इसका फी रखा गया है 199, तो आप समझ सकते हैं किस रूप से यह इंपॉर्टेंट होगा, यह आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है, इसी से डायरेक्ट प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपका। मैं लास्ट वीडियो उत्तराखंड का जो क्वेश्चन एनालिसिस किया गया था उसमें मैं बताया था, इसका डायरेक्ट प्रश्न वहाँ से देखने को मिला है, तो आप इसके वैल्यू, जो इसका वैल्यू किस रूप से आपके एग्जाम हॉल तक वो क्वेश्चन को कैरी कराएगा, इसे समझिए और इसे परचेज कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज पहला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन आपको विथ क्वेश्चन और विथ एक्सप्लेनेशन, और साथ में हम वन लाइनर 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, जैसे ही क्वेश्चन देखिए आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोग एक्टिव मोड में काम कर सके, यह बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। तो जैसे ही प्रश्न आ रहा है तो उसका सबसे पहले आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला भारतीय विदेश नीति 2015-20 का निम्नलिखित में से कब तक बढ़ा दिया गया, हाल ही में से बढ़ाकर अगले डेट तक यह बढ़ाया गया है, तो यह कब तक बढ़ाया गया, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन एक है 30 सितंबर 2022, 31 दिसंबर 2022, नेक्स्ट है 31 मार्च 2023, और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी डी क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको 30 सितंबर 2022 तक अगले 6 माह तक इसे बढ़ा दिया गया है। तो इसका चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या है एक्सप्लेनेशन, आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने स्टूडेंट अपने सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप सर्किल में इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी हम लोग बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने आए। डेली डेली आप लोगों के लिए युक्ति आई कुछ नया चीज़ करके आ रहा है, ताकि
आप लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए ताकि हमें और भी बेहतर तरीके से काम कर सके। चलिए, भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 तक 30 सितंबर 2022 तक 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, 6 माह के लिए या 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिसूचना में कहा गया है, विदेश व्यापार जो महानिदेशालय उसके द्वारा यह अधिसूचना दिया गया है। क्या दिया गया है? जो 15 विदेश नीति व्यापार था इसके संदर्भ में पहले भी प्लेलिस्ट वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग जरूर जाके देख सकते हैं। 31 मार्च 2022 को तक प्रभावी था जो पहले कोविड के क्रम में बढ़ाया गया था, जो पुनः इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 तक कर दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कब तक बढ़ा दिया गया, इसका कितने बार चेंज किया गया है, यह भी महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के प्रकोप जो हुआ था उस नीति के पूर्व 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ाकर मार्च 2020 के अंत तक किया गया था, उसके बाद पुनः 1 वर्ष बढ़ा दिया गया 30 सितंबर तक, और अब 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। तो 3 टर्म में यह बढ़ा है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को। देखिए, साथ में जब विदेश नीति व्यापार नीति की बात हुई, तो अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन मामला चल रहा है, युद्ध मामला चल रहा है, तो भारत किस रूप से प्रभाव पड़ रहा है यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग तेल नीति तो पढ़े हैं, तेल नीति पर प्रभाव पड़ रहा है, पर उसके अतिरिक्त कुछ और भी बातें जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। जैसे भारत रूस से सबसे अधिक चाय निर्यात करता है, ध्यान रखिएगा, भारत रूस को सबसे अधिक चाय निर्यात करता है, जो प्रतिवर्ष औसतन 43 से 45 मिलियन किलोग्राम है। यह ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा रूस को चाय निर्यात करता है। दक्षिणी भारतीय बागान कुल जो दक्षिण बागान से ही केवल आपको 20 से 25 मिलियन किलोग्राम निर्यात किया जाता है रूस को। यह इम्पोर्टेंट है, तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट है, रूस को भारत को निर्यात जो है वित्त वर्ष 2022 में जो था पूर्व 10 महीनों की कुल $2.85 बिलियन था, जबकि आयात कितना था 7.190 बिलियन था। यह आपको वर्ष 2022 10 महीनों के पूर्व का निर्यात की बात की जा रही है, यह भी प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। सॉरी नोट आप लोग याद रखना है, यहाँ पर रूस का कुछ बैंक है जो भारत में काम कर रहा है, तो इस रूप से आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। तो वीटी बैंक सर्वर बैंक और गज प्रोम्बन बैंक जो है यह रूस भारत में परिचालन वाले प्रमुख रूसी बैंक है, विदेशी बैंक में। तो आप लोग यह प्रश्न आपको आउटसाइडर से पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। मेन स्ट्रीम प्रश्न कुछ और है, उसके संबंधित कुछ बातों को और भी पूछ सकता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। और युक्ति इसी पर बल देता है कि आप लोग को वो प्रश्न नहीं छूटना चाहिए जो एग्जाम में आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस जो निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है इसका, तो यह किसके द्वारा किया जाता है? तो खदान जो दिवस है, सहायता कार्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल उसके द्वारा, या विश्व बैंक के द्वारा? तो निम्नलिखित कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग आंसर बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अब खनन है तो खदान है, तो इसका मतलब आईएलओ मत समझ जाइएगा, इसीलिए मैं आईएलओ को यहाँ पर ऑप्शन में दिया, कन्फ्यूजन नहीं होना है। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह जो दिवस है मनाया जाता है, और आज के दिन ही मनाया जाता है, 4 अप्रैल, बहुत महत्वपूर्ण संस्था दिवस है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता खदान कार्य जो दिवस है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्ट, याद रखिए माइन एक्शन, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये टर्म एक है जिसके संदर्भ में प्रश्न आपको पूछ सकता है। यह 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना या कार्य करना, यह मुख्य उद्देश्य है। एग्जाम और इन बातें करनी, बहुत सी चीज़ें नहीं बताई जा सकती जो मेन्स ओरिएंट होता है, केवल पीटी और एनपीटी की बातें करनी। जब मेंस आएगा, मेंस में उन सब चीज़ों को स्पेशल चर्चा की जाएगी। तो माइन एक्शन क्या है, यह ध्यान रखना है। इसका तात्पर्य बारूदी सुरंगों के युद्ध के विस्फोटक अवशेषकों को साफ करने के खतरनाक क्षेत्रीय चिन्हित करने के लिए बंद करने के प्रयासों की एक श्रृंखला है। अर्थात जो हम माइन एक्शन लेते हैं, बारूदी सुरंग युद्ध के विस्फोटक अवशेष जो होते हैं उसको साफ करने के लिए, तथा खतरनाक क्षेत्र को चिन्हित करते हुए जो बंद करने का प्रयास का एक समग्र श्रृंखला, उसी को माइन एक्शन इसको नाम दिया गया है। याद रखिएगा 2022 का जो संयुक्त राष्ट्र का विषय क्या है, संयुक्त राष्ट्र माइन एक्शन सर्विस का मुख्य थीम क्या है, ये विषय क्या है, सुरक्षित मैदान,
सुरक्षित कदम और सुरक्षित घर, सेफ ग्राउंड सेफ स्टेप सेफ हाउस, यह आप लोग को याद रखना है। देखिए जब भी महत्वपूर्ण होता है विषय थीम आप लोगों से पूछा जाता है, इसलिए थीम को तो जरूर याद रखिए सारे स्टूडेंट, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, यह घोषणा कब किया गया था? 8 दिसंबर 2005 को महासभा ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के लिए प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई के लिए सहायता दिया था, अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में मान्यता दिया, और प्रथम आयोजन इसका किया गया वर्ष 2006 में, 4 अप्रैल 2006 को इसका प्रथम आयोजन किया गया। फर्स्ट कब किया गया? 2006। तो इस वर्ष कौन सा क्रम होगा आप लोग खुद बता सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या होगा इस वर्ष का कौन सा यह दिवस था, कौन से क्रम का। मैं बार बार ये सब चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को, क्रम याद रखिएगा। प्रश्न इस रूप से भी पूछे जा सकते हैं, आप लोग सारे चीज़ों को पढ़ के जाइएगा, पर कुछ ऐसे चीज़ें जो नॉर्मल रीजनिंग बेस होता है उसे नहीं किया जाता है, और तो आप लोग इसे अपने तरीके से भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन आ गया, कॉमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने एमएस टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पास किया है, एमएट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किया है, या उस देश के द्वारा पास किया गया, कौन कौन? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति के द्वारा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा, या यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा? तो ऑप्शन क्या होगा ए बी सी डी में, क्या होगा ऑप्शन आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जो है उनके द्वारा एमेट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पारित किया गया, क्योंकि अश्वेत का कुछ घटना घट रहा था बार बार। कुछ आंकड़ा है मैं बताऊंगा, भारत में भी बहुत मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है, इसके संबंध में भारत की क्या स्थिति उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है जो एमेट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट को पर हस्ताक्षर कर दिए, इस एक्ट में लिंचिंग एक संघीय घृणा अपराध है, याद रखिएगा यह संघीय है, स्टेट का नहीं है, जैसे हर स्टेट का अलग अलग नियम कानून है वो संघीय है, फेडरल हेट क्राइम इसे माना जाएगा। और साथ में 1882 से लेकर 1968 के बीच कम से कम 4,743 लोगों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसमें 3,446 अश्वेत थे। तो देखिए कितनी बड़ी लिंचिंग अमेरिका में एक समस्या है, जिसमें से आपको इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इस अधिनियम का नामकरण हाल ही में शिकागो जो था 14 वर्षीय अश्वेत लड़के के नाम पर रखा गया, जिसको 1955 में मिसिसिपी के एक श्वेत पुरुषों के समूह ने हत्या कर दिया था। तो यह ध्यान रखना है किस 14 वर्षीय लड़का का नाम है, यह आपको एमेट उसी के ध्यान में रखकर बनाया गया है, और यह 1955 की घटना है, मिसिसिपी की घटना है। हाल ही में आपको करंट में मैंने बताया था कि किस स्टेट ने एक बच्चे के नाम पर एक योजना सामरस्य योजना चलाया है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरा बताइए, जो भी एक्टिव स्टूडेंट होंगे वो बताएंगे, क्योंकि वो आपको करंट में शामिल कर दिया गया है, या 1 से लेकर 2 के करंट में होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग कॉमेंट बॉक्स करके बताइए। भारत में लिंचिंग क्या है? लिंचिंग जैसी घटनाओं निपटने के कोई विशेष कानून नहीं है। जुलाई 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, याद रखिएगा इस बनाम जो संस्था जो है उसके मामले को, तहसीन एस पूनावाला बनाम UOI, याद रखिएगा, के मामले में लिंचिंग और भीड़ की हिंसा के निपटने के लिए कई निवारक उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय निर्धारित किए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये सब प्रश्न आपको पूछ सकता है। और IPC की धारा जो इंडियन पिनल कोड है उसमें अलग अलग धाराओं के तरह इसे देखा जाता है, जैसे धारा 302, 307, 323, 147, 148, 149 और 34 धारा के तहत मॉब लिंचिंग की घटनाओं को जब भी आता है तो इसी धारा के तहत उसे शामिल किया जाता है, और स्थिति या वस्तु स्थिति देखकर केस बनाया जाता है। CRPC धारा जो है धारा 223A के तहत इसे गुनाह के लिए बेहतर कानून के इस्तेमाल के लिए बता तो, लेकिन स्पष्ट रूप से ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो ये देखिए कुछ इरर हो गया, इसलिए CRPC धारा जो 223A है उसके तहत उसे गुनाहकार साबित किया था। हाल ही में करंट कुछ अपडेट हुआ इससे संबंधित, झारखंड मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारक अधिनियम विधेयक जो था 2021 को पारित किया है,
अधिनियम बन गया वहाँ पर। तो यह झारखंड राज्य ने ऐसा किया, और इससे पूर्व तीन राज्य जो थे मणिपुर, पश्चिम बंगाल और राजस्थान ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून, कठोर कानून बनाया है। तो यह नाम आप लोग याद रखना स्टेट का, किन किन राज्यों में ऐसा कानून काम किया गया है। तो आप मॉब लिंचिंग से संबंधित घटनाओं के संदर्भ में न्यूज आप लोग को देखने को बार बार जब भी आएगा तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न आ गया, आप लोग आंसर बताइए क्या होगा आंसर कमेंट बॉक्स में, जब तक मैं पेन पेन सेलेक्ट करता हूँ। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया जा रहा है। देखिए सब प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी प्रकार के प्रश्न पीसीएस, रेलवे एग्जाम, यूपीपीसीएस या तो जो स्टेट पीसीएस होता है वो भी, एसएससी, बैंकिंग, सभी जगह इसी प्रकार के जीएस के पार्ट के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, मेघालय के द्वारा ऐसा काम किया है, मेजबानी करेगा कर रहा है। तो इसके संदर्भ में आप लोगों को ध्यान रखना है। 83वीं जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, एनटीटी नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जिसे एनटीटीसी कहा जाता है, 22 मेजबानी कर रहा था, जो 25 अप्रैल से 18 से 25 अप्रैल तक शिलोंग के साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर में किया गया। यह महत्वपूर्ण है, कब से 18 से 25 अप्रैल तक, तो याद रहे किया कर रहा है, तो आयोजन करेगा। नेक्स्ट है, दूसरी या दूसरी बार है जिसका आयोजन पूर्वोत्तर में किया गया, या पूर्वोत्तर विश्व का सबसे बड़ा बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी करता है। तो यह ध्यान रखना है, यह बहुत से यहाँ पर प्रतिभागी भाग लेते हैं, तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेबल टेनिस टूर्नामेंट है, तो ध्यान रखना है, ये भी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। यह दूसरा अवसर भी है जो पूर्वोत्तर राज्य ने ऐसा अवसर ले रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन SOWP रिपोर्ट 2022 प्रकाशित किया गया है। तो यह किस संस्था द्वारा किया गया है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आप लोग को याद रखना चाहिए, प्रश्न आप लोग एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, विश्व बैंक, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, कुछ मैसेज आ गया है, अर्जेंट मैसेज, तब तक बताइए। रे विश्व बैंक है, संयुक्त राष्ट्र है, यूएन है, कौन सा होगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, तो सही उत्तर इसका कौन सा होगा आप लोगों को, विश्व बैंक इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा किया जाता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इसके द्वारा किया जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को प्रश्न यह पूछ सकता है, ध्यान रखने वाली बात है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड, ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए एक्सप्लेनेशन क्या है, कुछ कुछ इशू हो जाता है कभी कभी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA प्रतिवर्ष स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 प्रकाशित करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। लिंग जो अनुपात है उससे संबंधित यह डाटा देता है, महिला से संबंधित डाटा यह प्रकाशित करता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 का शीर्षक क्या है, अनसीन द केस फॉर एक्शन एंड द नेग्लेक्ट क्राइसिस ऑफ अननीडेड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से संबंधित जो गर्भधारण से संबंधित रिपोर्ट या शीर्षक बनाया गया है। इसमें कुछ डाटा अपडेट था, बहुत लंबा चौड़ा डाटा है, इसलिए करेंट है, आपको महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है। मेंस वाले सेक्शन में, मेंस में जब बात करेंगे उस समय होगा, बस याद रखना है आप लोग को, विषय शीर्षक क्या याद है तो आप लोग को याद रखना है। फिर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष क्या है इसे याद रखना है, वर्ष 1967 में इसकी स्थापना किया गया था। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के एक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है, ध्यान रखिएगा क्या है, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी। वर्ष 1969 में इसका कार्य प्रारंभ किया है, तो 67 में स्थापना, कार्य 1969 से किया है, प्रश्न ये भी पूछ सकता है।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के तहत एक सहायक रूप से काम करता है। इसका पूर्व का नाम जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष था और वर्ष 1987 का नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कर दिया है। तो यह प्रश्न आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है, इसका कब गठन किया गया, इस कार्य कब शुरू किया, इसका नाम ओरिजिनल नाम जो अभी है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका वर्तमान नाम कब पड़ा है, तो वर्ष 1987। तो ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न आपको इस रूप से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए नए स्टूडेंट हैं सारे लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग हमें और भी अच्छे बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास कीजिए, बिना सपोर्ट हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एससी और ओबीसी समुदाय से संबंधित उद्यम पूंजी निधि का संशोधन योजना निम्नलिखित में से कौन है? हाल ही में एक योजना का नाम आया सामने जिसका पूर्व में ये VCF नाम था, उसका नवीन नाम क्या है, योजना उसी से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अंबेडकर यंग इंटरप्रियोर मेंटर प्रोग्राम, अंबेडकर यंग इंटरप्रियोर सस्टेनेबल प्रोग्राम, अंबेडकर एंड इंटरप्रियोर VCF, उसी का नाम ऐड करके अंबेडकर यंग इंटरप्रियोर कर दिया है। तो क्या यह योजना है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अंबेडकर यंग इंटरप्योर मेंटर प्रोग्राम। इसमें मेंटरशिप दिया जाएगा सभी सभी संस्थाओं के द्वारा, जिसका नाम मैं अभी बता रहा हूँ, जस्ट आप लोग वेट कीजिए। चलिए, सरकार के उन महत्वाकांक्षी उद्यमियों से मदद करने के लिए एक योजना शुरू करने जा रही, जो SC OBC समुदाय से संबंधित उद्यम पूंजी निर्माण, जो पूंजी कैपिटल फंड जनरेट किया जा रहा था प्राप्त करने के लिए विफल रहा था, उसी को ध्यान में रख के आगे यह प्रोग्राम लाया जा रहा है। इसके स्थान प्रस्तावित योजना का नाम अंबेडकर यंग इंटरप्रियोर मेंटरशिप प्रोग्राम रखा गया, IMP, याद रखिएगा, इसे शॉर्ट फॉर्म AYEI और MP से नाम दिया गया है। यह आप लोगों को महत्वपूर्ण याद रखना है, यह डाटा आप लोगों को प्रश्न कैरी कर सकता है एग्जाम हॉल तक। तो इस योजना के तहत क्या था? पहले पूर्व में अनुसूचित अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए 6 वर्ष के लिए अवधि के लिए 15 करोड़ से अधिक तक के वित्तीय सहायता दी जाती थी, फिर भी यह सक्सेस नहीं हो पाया था, जहां जिन लोगों को फायदा होना था वो नहीं हो पाया था, इसलिए नए तरीके से मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम जो अम्बेडकर यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है उसके तहत क्या किया जाएगा, सलाहकार कार्यक्रम माध्यम से व्यवसायिक उद्यम बनाने में। अभी हाल ही में आप लोग शार्क टैंक नाम का एक सोनी पर चल रहा प्रोग्राम सुने होंगे, जिसमें सलाहकार जो जो कॉन्सेप्ट था, बड़े दिग्गज कंपनी के जो MD थे, संस्थापक थे, वो आए थे और वहाँ पर जो नए नए उद्यमशील लोग थे उसको मोटिवेट करते थे, टाइप करते थे अपनी कंपनियों से, उसे अपनी कंपनी की सलाह देते थे, बहुत तरीके से कार्य करते, साथ में दिल्ली सरकार के द्वारा भी, दिल्ली राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके द्वारा, उनके द्वारा भी नया प्रोग्राम चलाया जा रहा है नए उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए। तो ध्यान रखना, ये सब चीज़ें भी आप लोग को प्रश्न में इस रूप से पूछ सकता है। इसके तहत क्या करेगा? परामर्श कार्य के तहत IFCI वेंचर जो स्थापित होगा, जिसमें CEO व्यवसायी वित्तीय संस्थानों के दिग्गजों से संरक्षक रूप से सूचीबद्ध करेगा। जब उम्मीदवार VCF योजना के तहत फंड के लिए आवेदन करेंगे तो यह आप लोग को मेंटर से जोड़ेगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को ये चीज़ें पूछ सकता है प्रश्न में, तो ध्यान रखना है, ये सब आप लोगों को एग्जाम में याद रखना है। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न, यह है 7वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति की मंजूरी दे दी है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 22 और 27 की अवधि के लिए आपको नवीकरणीय ऊर्जा नीति दिया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक होगा, ऑप्शन में आप लोग बता सकते थे पर मैं ही पहले बता दिया। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कर्नाटक राज्य सरकार ने वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दिया है। इस नीति का लक्ष्य क्या है? 5 वर्षों में राज्य का 10 गीगावाट, याद रखिएगा, 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, उत्पादन क्षमता हासिल करना है, जिसे मेगावाट में 10,000 मेगावाट कह सकते हैं या 10 गीगावाट, जो भी आपको प्रश्न में पूछ सकता है। साथ में आप लोग वर्ष 2027 तक इस नीति के तहत अकेले रूफ टॉप सोलर से उत्पादित होने वाला है, यहाँ देखिए यहाँ पर इरर हो गया है कुछ, या 1 कर लीजिएगा आप लोग, 1 गीगावाट ऊर्जा स्थापित करने हासिल करने के लिए लक्ष्य रखा है।
या इरर हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। रूफ इस 10 गीगावाट में रूफ टॉप जो सोलर जो छत पर लगा के सोलर से एनर्जी प्राप्त करना सूर्य वाला, तो उससे 1 गीगावाट लक्ष्य रखा है कर्नाटक सरकार ने। तो ये आप लोगों के लिए प्रश्न ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है कर्नाटक में नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों का निर्माण करना है, जिस नीति के तहत कर्नाटक सरकार ने उद्देश्य रखा है। जब नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जा रही है तो भारत सरकार का क्या उपलब्धि, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो याद रखिएगा वह भारत 2030 तक 450 गीगावाट अच्छे ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए 2022 तक कितना लक्ष्य था जिसे प्राप्त कर लिया गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कितनी बार मैंने आप इसके संदर्भ में चर्चा किया है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके तहत क्षमता जो 150.5 गीगावाट है, सौर ऊर्जा जिसमें आप लोगों को 48.55 गीगावाट है, पवन से 40.3 गीगावाट है, लघु जल विद्युत से 4.83 गीगावाट है, जैव शक्ति से 10.62 गीगावाट, लार्ज हाइड्रो से कितना है 46.51 गीगावाट। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है वर्तमान में किससे सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो आपको यह भी देखिए PIV का डाटा है और लास्ट दिसंबर का डाटा है, यह दिसंबर 2021 का डाटा दिया गया है, देखिए 2 दिसंबर 2021 का। तो यह आप लोगों को यह भी प्रश्न पूछ सकता है सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हो, सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो रहा है 48.5 गीगावाट और उसके बाद लार्ज हाइड्रो जो बहुत देशी परियोजना होता है वहाँ से 46.51 गीगावाट हो रहा है। तो प्रश्न आपको सेगमेंट में भी आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। और ये PIV का डाटा है तो कन्फ्यूज नहीं होना, जो भी डाटा है अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। कोप 2026 में भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन के स्रोतों के लिए 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने के लिए हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की है। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत कोप जो 26 होता है तो उसमें 2030 तक कितने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी बिजली ऊर्जा उत्पादक क्षमता को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है, तो आपको 500 गीगावाट है। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है। तो देखिए प्रश्न ऐसे ही आते हैं, आप लोग मिस कर जाते हैं एग्जाम ओरिएंट चीज़ों को पढ़ने के लिए, तो आप लोग एग्जाम ओरिएंट चीज़ों को पढ़िए। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दी जा सकती थी, नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय का उपयोग क्या क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा क्यों महत्वपूर्ण, भारत क्यों दे रहा है इस पर बल इतना, तो सारी चीज़ों को बताया जा सकता था। पर अभी PT है, प्री का एग्ज़ाम है, प्री ओरिएंट चीज़ों को पढ़िए, जब मेंस आएगा मेंस ओरिएंट चीज़ों को बताया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें युक्ति IAS पर ही मिलेगा आप लोग, और एग्ज़ाम तक ये सब चीज़ें कैरी करेगा। आप लोग विश्वास रखिए, विश्वास के साथ हम लोग से बने रहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं आंसर अपना, और साथ में चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नए पुराने जो भी स्टूडेंट हैं सारे लोग जितने भी हैं तो सारे लोग शेयर करते रहिए, जरूर संख्या जरूर बढ़ाइए आप लोग, क्योंकि हम लोग जितना डिजर्व कर रहे हैं उतना हम लोग को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप लोग जरूर हमें इसमें सहायता दीजिएगा, मुझे विश्वास है। तो संख्या बढ़ाइए हम लोगों का सब्सक्राइबरों की। नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडिया थॉन, याद रखिएगा मंथन आइडिया थॉन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, गिरीश मुर्मू, माधवी पुरी बुच। तो आप लोगों को क्या इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आंसर ABCD क्या होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, माधवी पुरी बुच के द्वारा किया गया है यह, क्योंकि यह सेबी के अध्यक्ष है, इनके द्वारा किया गया है। चलिए सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडिया थान लॉन्च किया है। भारत वर्तमान में प्रतिभूति बाजार क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को विकास और उपयोग के लिए अच्छी स्थिति में, ताकि देश भर में प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम लागत के अनुकूलतम समाधान प्रदान कर सके, इस आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए सेबी के द्वारा एक कदम उठाया गया है, जिसमें एक मंच दिया जाएगा उससे संबंधित। नेक्स्ट आप लोग को याद रखना है, और इसमें रजिस्ट्रेशन सभी लोग करा सकते हैं, अपने आइडियाज़ को डेवलप कर दे सकते हैं वहाँ पर चीज़ों को, और जो 10 पुरस्कार जो विजेता होंगे 5 लाख की नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप लोग इस जो भी है इंटरप्रियोर लोग आप लोग जा सकते हैं, दे सकते हैं अपने आइडिया। यह 6 सप्ताह का यह कार्यक्रम है आयोजित किया जाएगा, जिसका आयोजन सेबी द्वारा NSE
जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, BSE बम्बई, CDSL, NSDL, CAMS, किंग फिक, याद रखिएगा MCX और लिंक इन टाइम के द्वारा किया जाएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। अब जब नवाचार की बात की जा रही है तो नवाचार रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो इसमें याद रखिएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या हुआ, गत वर्ष जो 2020 था रैंकिंग उसमें 2 स्थानों का सुधार हुआ है, यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, जो 46वें स्थान पर आ गया है। अर्थात वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है GII जो है उसमें 46वां स्थान भारत का है वर्तमान में, और यह कितनी 132 कुल अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2015 से लेकर वर्तमान तक 2021 तक कुल 35 अंकों का सुधार हुआ, यह भारत सरकार भारत के लोगों का यह उपलब्धि है। तो देखिए यहाँ पर दिया भी गया है 2015 में 81वां स्थान रहा करता था, जो अब वर्तमान में 35 अंकों के सुधार के साथ यह 46 पर आ गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो विपो वो जारी करता है, आप लोगों को याद रखना चाहिए, यह प्रश्न बार बार देखने को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, लगातार 3 वर्षों से स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, UK नवाचार रैंकिंग में लगातार 3 वर्ष से बने हुए इस सूची में, जबकि विगत 3 वर्षों में से 5 शीर्ष स्थानों में हासिल किए हुए हैं, कौन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका और UK। तो याद रखिएगा यह प्रश्न आपको पूछ सकता है, और भी बहुत से डाटा है पर जो एग्जाम ओरिएंटेड उन सब चीज़ों को देख लीजिए, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 9वां प्रश्न है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंडिया बोट एंड मरीन शो, जिसे IBMS कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इंडिया बोट एंड मरीन शो का कौन सा संस्करण केरल के कोची के बोलगट्टी पैलेस में आयोजित किया गया। तो देखिए सारा चीज़ बता दिया गया, कहाँ हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, किस पैलेस में हुआ है, पर ये क्रम कौन सा है आप लोग ये बताना है। तो ये क्रम कौन सा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा या छठा है, ऑप्शन ABCD कौन सा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चौथा है इसका सही उत्तर है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन है इंडिया बोट मरीन शो IBMS का चौथा संस्करण केरल के कोची बॉलीपट्टी बोलगट्टी पैलेस में किया गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, यह भारत का एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी है। तो किससे संबंधित है, नाव और समुद्री उद्योग में से जुड़े लोगों के लिए यह एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी है जो केरल के कोची में आप लोगों को कराया जाता है, जिसका क्रूज एक्सपो द्वारा आयोजित किया जाता है। यह भी याद रखना है कुछ, इसके द्वारा कराया जाता है, क्रूज एक्सपो के द्वारा कराया जाता है। इस वर्ष देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ साथ स्वदेशी नाव निर्माता ने प्रदर्शित किया, जिसमें 45 भारत के हैं जबकि 2 अंतर्राष्ट्रीय हैं। ध्यान रखिएगा कुल 47 लोगों ने यहाँ पर इस एक्सपो में भाग लिया, जिसमें 45 भारत के और 2 अंतर्राष्ट्रीय हैं। तो आपको यह प्रश्न आपको पूछ सकता है, इस रूप से भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इस एक्सपो में फोकस क्या था, समुद्री और नौका विहार के क्षेत्र में MSME के लिए आवश्यकता पर बल देना। तो देखिए प्रश्न यहाँ से एक और उभर के आता है कि किस मंत्रालय के तहत यह भी काम करता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखें। MSME को बढ़ावा देने के लिए तो MSE मंत्रालय इसमें अब इनपुट होगा और बहुत से कार्य इसमें किए जाएंगे, तो इस क्षेत्र का विकास होगा, तो ये भी आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और इस एक्सप्लेनेशन वाले सेगमेंट का लास्ट प्रश्न है, उसके बाद ऑनलाइनर हम लोग आएंगे, फटाफट ऑनलाइनर पर जाएंगे और आप लोग आंसर फटाफट दीजिएगा, वो फटाफास्ट फिंगर वाला प्रश्न है। ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग की बैठक की मेजबानी की गई निम्नलिखित में से किसके द्वारा, तो आप लोगों को बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। कोविड के दौरान जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम कराया जा रहा है उसी के संदर्भ में यह आप लोगों को इस वर्ष एक बैठक की गई है रणनीति बनाने के लिए। तो उसमें कौन है, ग्लासगो, पेरिस, जेनेवा या नई दिल्ली, तो यह कौन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा जेनेवा में कराया गया है, इसका मेजबानी जेनेवा कर रहा है। तो यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है, एक्सप्लेनेशन यह है कि जेनेवा के ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग जो है उसकी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बुनियादी वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण मॉड्यूल आवश्यकता पर चर्चा किया गया। तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। भारत की तरफ से आपको कौन गया था, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार समूह
NATAGI के जो मुख्य प्रमुख हैं उनके द्वारा, एन के अरोड़ा के द्वारा इन पर शामिल हुआ, वो शामिल हुए एन के अरोड़ा इनके इस बैठक में शामिल हुए, तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अब हम लोग तब तक आप लोग चैनल को शेयर कीजिए। देखिए आप लोगों को करेंट बेस्ड लग रहा है, एग्जाम ओरिएंट करेंट लग रहा है, तो ज़रूर चैनल को शेयर कीजिए। देखिए जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा, हम लोग बेहतर तरीके से और भी काम करना चाहते हैं पर वो हो नहीं पाता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग चैनल के जो सब्सक्राइबर है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करें, और वो बिना सब्सक्राइब जो भी लोग देख रहे हैं पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को रेफर कीजिए, अपने ग्रुप में रेफर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा के इसे रेफर कर सकते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए अब वन लाइनर करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन शामिल किया जाए उस पर फटाफट हम लोग नज़र रख लेते हैं, और इस पर ज़्यादा कुछ लिखने की बात नहीं होती, बस वन लाइनर आप लोगों को याद रखना है। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे ने 1 अप्रैल 2022 में 44वां शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी आधिकारिक रूप से किस देश को सौंप दी है, किसे सौंपी, किस देश को सौंपी है, तो ये भारत को सौंपा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत को सौंपा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, किस राज्य ने वर्ष 2024 तक टीवी मुक्त प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है किस राज्य ने, और इसका चर्चा हमेशा रहता है इन सब चीज़ों के लिए। तो यह एमपी है, मध्य प्रदेश है आप लोगों का सही उत्तर, तो याद रखना है मध्य प्रदेश। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं जैसे ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में के जयनगर बिहार और नेपाल के कुर्था के बीच कितने किलोमीटर की लंबी ट्रेन सेवा 2 अप्रैल को शुरू की गई है, की गई थी। इसका आप लोग को कम्युनिटी प्लेलिस्ट जो यूट्यूब का प्लेलिस्ट है कम्युनिटी में, वहाँ बहुत सारा आप लोग इससे संबंधित स्लाइड अपलोड किया गया था, तो आप लोग जाके कम्युनिटी देखिए, यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट के बगल में होगा कम्युनिटी, उस चैनल से पहले होगा, इसमें सारे अपडेट किए जाते हैं विथ कुछ शब्दों के साथ, उसके संबंध में कुछ जानकारियाँ होती है जो न्यूनतम 50 से 100 शब्दों में होता है, साथ में फोटो स्लाइड रहता है, तो आप लोग जरूर देख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा 34.5 किलोमीटर, आप लोग आंसर देख सकते हैं, 34.5 किलोमीटर की दूरी का यह था। हालांकि कम दूरी का है पर इंटरनेशनल रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत किन किन देशों के साथ विदेशी ट्रेन सेवा जारी रखे हुए है, तो ट्रेन सेवा किन किन देशों के साथ परिचालन करता है, उसमें नेपाल भी अब शामिल हो गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बता सकते हैं, ये बहुत ही प्रश्न है, ये आपको प्रश्न शामिल हो सकता है, सब ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पढ़ के जाइए, कुछ वहाँ पूछेगा, कुछ कोऑर्डिनेटेड बातें कोरिलेटेड बातें पूछ सकता है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स लोगो और सुमकर किस शहर में लॉन्च किया गया है, इस पर आप लोग को करंट भी फुल करंट इस पर अपलोड किया गया था, यह बंगलुरु कर्नाटक में किया गया है, यह बहुत इजी प्रश्न था, जो करंट देखे होंगे फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या है, यह देखिए 5वें नंबर प्रश्न में, किस राज्य की विधानसभा ने शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है। तो जो जो पशुएं होती हैं, यहाँ आवारा शब्द नहीं लिखना चाहिए था, जो भटकते हैं वो शब्द यूज करना चाहिए था, जो रोड पर भटकते हैं पशुएं, किसी रूप से जो मालिकाना हक किसी का नहीं होता है, उन पशुओं के निपटने के लिए आपको गुजरात राज्य सरकार के द्वारा या विधानसभा के द्वारा विधेयक पारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए फिर भारत सरकार को कुछ लोगों ने पैसा दिया है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के और किसने, इसके साथ एक और संस्था है जो भारत में एमएफआई के लिए 100 मिलियन का आंशिक गारंटी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए भागीदारी की है। तो इसका सही उत्तर होगा HSBC, अर्थात आपको जो हांगकांग की बैंक है उसके द्वारा किया गया, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह दोनों ने मिलकर भारत को जो 100 मिलियन आंशिक गारंटी के लिए लोन दिया है, तो आपको यह ध्यान रखना है, यह बैंक का नाम याद रखना है। चलिए कितना करोड़ का आपको कितना मिलियन का लोन भी दिया गया भी याद रखना। गूगल पे और किसने हाल ही में यूपीआई और टैप टू पे के लिए समझौता किया है, तो यह हाल ही में चर्चा किया गया, तो फटाफट आप लोग बता सकते हैं, यह पाइन लेब्स के द्वारा किया गया है, पाइन लेब्स होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
आठवां नंबर प्रश्न, कौन सी राजनीति पार्टी 1990 के बाद राज्यसभा के 100 सीटों को पार करने लिए प्रथम पार्टी बन गई है? तो यह भाजपा है। तो ध्यान रखिएगा, भाजपा प्रथम पार्टी 1990 के बाद बनी है जो 100 सीटें राज्यसभा में प्राप्त की है। नेक्स्ट है, नौवां नंबर प्रश्न, किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह आप लोगों को याद रखना चाहिए, डॉक्टर एस राजू के द्वारा इनका महानिदेशक। ये सब प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, जैसे आप लोगों को ध्यान रखना है, एस राजू के द्वारा यह पदभार संभाला गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, सारा चीज करते रहिए, बैठिए मत, बैठिएगा तो बहुत कुछ खो जाइएगा, इसी के लिए बैठ के काम करिए और आंसर देते रहिए। किस देश के आर्थिक संकट की वजह सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो हाल ही में हमारे छोटे से पड़ोसी राज्य हैं श्रीलंका, वहां पर आपातकाल की घोषणा की गई है, श्रीलंका। नेक्स्ट है, आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिए लगातार। मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? वेस्ट बंगाल। हाल ही में आप लोग को मैंने बताया भी था। नेक्स्ट है, मधुमक्खी मोम के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये मधुमक्खी मोम के उत्पादन से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान जो है गुजरात में किया गया है। आप लोगों को गुजरात याद रखना है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात में। नेक्स्ट है, लास्ट स्लाइड है आप लोगों के लिए, और लास्ट आप लोगों को तीन प्रश्न है, उसके बाद आज का जो करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। आप लोग तब तक क्विज में भाग ले सकते हैं, जाइए ऐप पर, जाइए ऐप पर क्विज का सेगमेंट बना हुआ है, ऐप पर या वेबसाइट पर क्विज में सेगमेंट में जाइए, करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स क्विज में आप लोगों को, या करंट अफेयर्स के सेगमेंट में, दोनों जगह आप लोग के अवेलेबल हो जाएगा क्विज, आप लोग जाके क्विज दे सकते हैं। किस नियामक संस्था ने मंथन नामक आइडिया स्थान लॉन्च किया? सेबी के द्वारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे शामिल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, 14वां नंबर प्रश्न क्या है, किस राज्य ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? याद रखिएगा, यह बैंक आप लोगों को एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह सहकारी बैंक के रूप में जाना गया हाल ही में। तो यह आप लोगों को कर्नाटक में, हाँ कर्नाटक में इसे लागू किया गया है, स्थापित किया गया है। कर्नाटक हाल में बहुत बार चर्चा में रहा है, तो इसे याद रखिएगा, इस बार प्रश्न वहाँ से बहुत बार देखने को मिलेगा। भारतीय पीएम ने किस देश में सीमा पार ट्रेन सेवा और रुपये का भुगतान प्रणाली उद्घाटन किया है? तो हाल ही अभी जस्ट मैंने बताया, कल के भी परसों के करंट में शामिल किया गया था, यह नेपाल है, हमारा प्यारा राष्ट्र, भाई और भतीजा का जो है, बेटी और बहू का जो रिश्ता है, उन देश से हमारा किया गया है समझौता, और वहाँ पर ट्रेन और रुपये का भुगतान प्रणाली स्टार्ट कर दिया गया। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए, जो भारत का भुगतान प्रणाली है, एक सेकेंड पेन सेलेक्ट नहीं किया, इसी के लिए थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया। जो भारतीय का भुगतान यूपीआई है, यूपीआई जो सिस्टम है, वो और कौन, किस राष्ट्र ने इसे माना है, अपने देश में लागू किया है, कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रश्न में ये सब पूछ सकता है। आज का करंट अफेयर 4 अप्रैल का करंट अफेयर समाप्त होता है, और इससे संबंधित कोई भी चीज़ें हैं कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और भी इम्प्रूव करना है तो हमें सजेस्ट जरूर करिए, और लाइक शेयर का बटन रुकना नहीं चाहिए, और जो जो 10,000 का सब्सक्राइबर का जो है लक्ष्य, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा मार्गदर्शन करिए, ताकि हम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके, काम कर सके। लाइक शेयर तो एकदम नहीं रुकना चाहिए, सब्सक्राइब एकदम नहीं रुकना चाहिए, अब बहुत हो गया, हम लोग भी बहुत चीज़ें बर्दाश्त करके आगे चल रहे हैं, आप लोग हमें जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा, हम लोग और बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप लोग हमें कोऑपरेट कीजिए, और हम लोग बहुत अच्छे इंटरफेस के साथ आप लोगों के सामने अवेलेबल होंगे। और मैं आप लोगों से जो वादा किया है, इंडिया में वैसा एजुकेशन सिस्टम में नहीं होगा, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसे स्लाइड डेवलप कराऊंगा जो आप लोग घर में बैठे ही अच्छी चीज़ों को सीख जाइएगा, उन सब चीज़ों को। बहुत से वर्ल्ड में ऐसे इनोवेशन हुआ है जो आपको एग्ज़ाम को और भी ईजी फॉर्मेट पर ला दे रहा है, तो उन सब चीज़ों को, इनोवेट तरीक़ों को हम लोग अप्लाई करेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एकदम दबाना ना भूले, घंटा जब तक नहीं बजाइएगा तब तक भजन नहीं होगा, इसलिए आप लोग आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद। जय हिंद।